मैंने जैसे बोला ना दरवाजा बंद करो, बाहर काम चल रहा है हमारा, तो बोले कि ऐसे बोलता हूँ मैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और धनु का जो है वो हेयर कट करवाना है, मैं अपना थ्रेडिंग उससे साफ करवा लूँगी। तो इनका ये हेयर कट करवाना, ओके ओके, आईब्रो तो इनका ये बहुत बड़े बड़े, मतलब हम थोड़ा थोड़ा कटवाते हैं, इनका जो बाल है ना हम थोड़ा बड़ा ही रखते हैं, है ना धनु? लेकिन बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। और अभी छुट्टियाँ पड़ रही हैं, अभी अभी दोपहर का टाइम में कोई लंच के लिए जा सकता है ना, तो मम्मा को वापस आना पड़ेगा इसलिए। ओके, तो आज कोई बॉय नहीं है, मुझे स्कूल की छुट्टी है, सब तो ऑफिस चले गए। गाइस बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई आज मेरे साथ, इतनी ज्यादा, धनु का स्कूल छूट गया मेरी वजह से। पता है क्या हुआ था? आज स्कूल जाना था। बहुत बड़ी गलती हो गई। एक्चुअली क्या हुआ ना कि जाना था इनको स्कूल, और मैं हर रोज़ अलार्म लगा के सोती हूँ। दो तीन दिन से देखो मेरी आंखें कैसे हुई है, सूजी हुई है। दो तीन दिन से ऐसा हो गया कि मुझे रात को नींद नहीं आ रही है और मैं सुबह उठ नहीं पा रही हूँ। सुबह के टाइम पे ना अलार्म भी बजता है तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं, मतलब कि नींद वो उठा नहीं जाया जा रहा है। फिर भी अब बच्चे के स्कूल जाना है, सबको ऑफिस जाना है, तो उठना होता है, तो मैं उठती हूँ, वो अलार्म की आवाज़ सुन के बंद करती फिर जाती हूँ। कल भी मैंने अलार्म लगाया था 7 बजे का, 7 बजे ही उठती हूँ, 7 बजे का अलार्म लगाया हुआ था, लेकिन आपको पता है क्या हुआ, 7 AM की बजाय ना 7 PM हो गया था। अब मैं उठी, सीधे मंदिर की घंटी बजी, तो मैंने टाइम देखा, इतना लेट हो गया था कि धनु स्कूल नहीं जा पाया। मैं आधे घंटे तक तो मैं बिल्कुल सन में रही, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कितना टाइम था जब मैं सो रहा था और सो के नहीं उठा था, कितना टाइम था? 8:15। इतने में आपकी बस आती है। बस आ जाती है? मुझे समझ ही नहीं आया बिल्कुल भी टाइम कुछ भी, तो मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इतनी तो लोगों की छुट्टियां होती है, घर पे रह के एक दिन छुट्टी हो जाए। फिर लेकिन बहुत बहुत अफसोस, मुझे घर पे रह के बिना मतलब का नहीं बेटा, बिना मतलब को छुट्टी कराना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बस अभी भी खड़ी है। और पीछे मैं अपना अभी अलमारी ठीक करूंगी, सब निकाल रखी, इसका चुन्नी ढूंढने का चुन्नी मिला नहीं। नहीं अभी रुक जाओ, मैं बात कर लूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कभी छुट्टी ना हो। मुझे बोल रहे कि अपना कबर्ड जो है उसे कैसे अरेंज करते हैं ये बताओ, तो अभी गाइस अभी नहीं बता सकती, अभी थोड़ा सा जो आपको पता है काम चल रहा था, सब कुछ क्लियर साफ हो जाए, फिर एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बताओ फिर कौन देख रेख करेगा, कैसे पेंट होगा आपका, बताओ अंकल को। अच्छे से। तो आप तो जा रहे हो ना, स्कूल जाने के लिए? हाँ बाबू खराब हो जाएगा अभी नया। चलो क्या कह रहे हो? कौन भैया नहीं पहुँचाएंगे? क्यों नहीं पहुँचाएंगे? अच्छा क्यों नहीं पहुँचाएंगे रिक्शा वाले भैया, ये बताओ। और बंदे ढूंढना है, ये क्या 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 लैंग्वेज सीख रहे हो? मेरे टाइम के साथ कैसे पास हो जाता मुझे खुद नहीं पता चलता। मेरी जान आ जाओ, फेंक दो तो मेडिसिन है ना, फेंक दो, हाँ मम्मा का फिंगर पकड़ो और जल्दी। लेकिन तो एक रास्ता काम, ये रास्ते का ये काम होता है, उनके पैर में हमेशा कुछ ना कुछ संडे से चला ही जाता है, फिर उसको साफ करो, निकालो, सब चलो चलो पहनो, अब नहीं है ठीक है। धनु वो गई, वो गई। थार पे कहीं भी नजर चली जाती है। धनु गन्ने का जूस पियोगे? गन्ने का जूस ना, पी लो ना, मुझे चलो एक गिलास लेते हैं थोड़ा सा। फ्रूटी? फ्रूटी नहीं, अभी यहाँ पे फ्रूटी नहीं मिलता, गन्ने का जूस मिलता है। आप ये सब चीजें क्यों नहीं पीते हो? नहीं गाइस। धनु क्या लेंगे? वो वाली नहीं मिलेगा, नहीं। वो नहीं है ना अंकल, ये वाली नहीं है। हाँ चौको पाई, ठीक है चौको पाई, एक इनको दे दीजिए। मैं पीऊंगी यहाँ पे गन्ने का जूस, आज पक्का पीऊंगी। धनु का मिल गया, देखो आइसक्रीम कितने का ये, मैं खा नहीं रही हूँ ना, मैं तो पकड़ रही थी। हो गया, आप वहीं रहो ठीक है। नहीं पीने वाली है, पीके देखो, पीके देखो बहुत टेस्टी है, पीके देखो बहुत टेस्टी है, है ना? क्या हुआ?
इकट्ठे करूंगी ना। तो और सवारी नहीं जाएंगे, जो समझ जाएगा उसका भरपाया खुद से कर लेंगे, है ना। तो चुपचाप वहाँ पे खड़े रहे तो सर और सवारी मिल जाते, फिर जाते इधर आओ। तो गाइस हम रिक्शे से उतर गए और जैसे ही मैंने इधर देखा ये सारा दुकान मुझे बंद दिखा था। मुझे जा बंद है क्या? फिर मैंने देखा नहीं, खुला है, बिहाइंड द मिरर है ना धनु, खुला है। यस छोटे छोटे लेकिन गंजा मत करना। नहीं गंजा नहीं करेंगे, बस छोटे छोटे करेंगे। ओके ओके मम्मा का बच्चा लव यू। क्या बोलो इनको, चलो गंदा चलो तब तो। एक बाबा ने तोड़ दिया। अच्छा याद रखना आप, ठीक है कुछ भी। दाना इधर देखो, ये मम्मा बच्चा साथ साथ करवा लेंगे, है ना, करवा लो। और रोना नहीं, ठीक है, आप तो वैसे भी नहीं रोते। ये जो साइड में जिनको हेयर कट करवाते हुए आप देख रहे हैं उन्होंने धनु को पहचान लिया, फिर पूछा नाम, तीनों ने तो अपना समृद्ध नाम बताया था, फिर बोले कि नहीं मैं आपकी वीडियो देखती हूँ, फिर मुझे देखिए, फिर मुझसे मिली। रेड बुल नहीं मिलेगा और यहाँ पे हम कुछ पीछे आपको दिख रहे हैं ना, वहाँ पे हम कुछ खाने के लिए आए हैं, खाने के लिए पैक करवा के घर ले जाऊँगी, हम सब खाएंगे। और अभी धनु को हाँ, इनको नहीं पता ये हमेशा वो रेड वाला एनर्जी वाला ड्रिंक मांगते हैं जो कि मैं इन्हें कभी नहीं दिलाती हूँ। हाँ बहुत टाइम लगा रहे हैं, चाइनीज खाना खाएंगे, खाएंगे नहीं गाइस, लेके जाएंगे। घर पे लेकर चलेंगे। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर मैं सोच रही थी कि यार कितना बोलते हो यार, इतना ही समझ पाए हो क्या? छोटी है ना अंदर से खाली से पैर गाइस, तो निकल लिए घर को, है ना। कैसे लग रहे हैं बताना गाइस, क्यों लग रहे हैं यार, उनके बाल ऐसे छोटे छोटे लग रहे हैं, जीत तक गया क्या? हम ब्लॉग का ये जो पार्ट देख रही है नेक्स्ट डे का है, थर्सडे का। तो यहाँ पे मैंने आटा गूंद के रख लिया है, दाल उबाल के रख लिया है, सब्जी नहीं काटी थी ना अपने, इसलिए दाल बना रही हूँ चने का, साथ में बाबू के लंच के लिए एक पराठा भी बना रही हूँ। उसके बाद मैंने चाय भी पी ली और फिर मैं गई धनु को फटाफट से रेडी कराई, पतिदेव जी को उठाई और हम दोनों फिर बस स्टॉप पर गए छोड़ने। ये रोज़ का नियम है, हम दोनों ही जाते हैं उन्हें छोड़ने। फिर घर पर जब आई तो मैंने देखा विकास ये थोड़ा सा उनको कुछ नोट्स ऐसे खुल गया था, तो मैंने बोला आप क्यों करोगे, दो मैं कर देती हूँ। फिर मैंने उसको अच्छे से यहाँ पर टाक दिया चाय पीते पीते, सॉरी आज मैंने पहले चाय नहीं पी थी, मैं भूल गई थी बताना ये चीज़, तो मैं यहाँ पे चाय पीती थी, वैसे कभी कभी दो बार भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैं रख रही हूँ विकास और पतिदेव जी का लंच। अब आप सोचोगे कि मैं सुमित का लंच क्यों नहीं रख रही हूँ, तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वो दो दिन के लिए घर से बाहर है, आज वो घर पे नहीं है, कल चले गए थे, अब नेक्स्ट डे ही रात तक आएंगे। तो इन दोनों का लंच मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ, साथ साथ में जो किचन है उसे भी क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने के बाद मैं अपना आऊँगी नहावा के, तब मैं अपना नाश्ता करूँगी। जी गाइस आज फिर से ये राज खुला कि हम नहा के खाना नहीं बनाते हैं, खाना बना के तब नहाते हैं, फॉइल पेपर ख़त्म। अब शाम तक आएगा फिर उसके बाद फॉइल पेपर यूज होगा, एकदम से खत्म हो गया, सिर्फ धनु के लिए था तो मैंने उन्हें रोटी लपेट के दे दिया, वो नहीं खा पाते। दाल जो है वो ज़्यादा गर्म है तो इसके लिए मैं उसको प्लेट में निकाल कर रखूँगी ताकि ठंडा हो जाए। और साथ में फिर मैंने विकास को नाश्ता भी दे दिया तो नाश्ता कर लिए, फिर उसको ठंडा होने के बाद मैंने लंच ये दोनों भाई का पैक कर दिया। विकास अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला है, पतिदेव जी ऊपर रेडी हो रहे हैं, नीचे आएंगे नाश्ता करेंगे फिर वो निकलेंगे। उसके बाद मैं नानी जी को नहलाऊँगी, उनका नाश्ता खुद से नहलाती है, पानी वानी गर्म देना होता है, नहा लेती हैं वो। और उसके बाद नाश्ता कराऊँगी, उनका बाल वाल बनाऊँगी, तब मैं अपना ऊपर जाऊँगी और ऊपर का जो भी काम है उसे निपटाऊँगी, बेड ठीक करना है जो भी, वैसे भी ऊपर तो अभी काम चल रहा है तो सब कुछ बिखरा बिखरा ही है।
बर्तन जो होते हैं वो सारे हमें खाली करके इकट्ठे करने होते हैं, क्योंकि हमारे घर बर्तन धोने और झाड़ू पोछा लगाने के लिए आती हैं एक दीदी, वो लगा के जाएंगी। बाइक वाला था फोन का आजकल काम नहीं है बिकॉज हम ब्लॉग सलग नहीं शूट कर रहे हैं ना, इसके लिए क्या करें। चलिए जाइए, बाय बाय। तो गाइज़ आज नानी जी जो हैं वो लेट उठी थी, और उसके बाद उठते ही पूछनी विकास ऑफिस गए, फिर अजीत ऑफिस गए। मैंने बोला हाँ, तो उनके लिए मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, और पैकेट पड़ा हुआ था चाय पत्ती का, उसे मैंने खाली करके रख दिया डिब्बे में। नानी जी का आज नाश्ता पानी कंघी वंघी सब लेट हुआ बाद में, बट आज हमारा हो रहा है एसी सर्विस। इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है, आपकी तरफ आ गई है इतनी गर्मी? रात में पूरा फ़ैन ऑन रह रहा है, 5 पे रह रहा है फुल पावर में, तब भी गर्मी हो रही है। तो इसलिए सोचा कि ऐसे ही सर्विस करवा लेते हैं, और ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा, क्योंकि अब बहुत दिक्कत हो गया। आपको पता है आदत कितनी ख़राब हो जाती है लोगों की जब एसी में रहने लगते हैं। जिनके घर में एसी नहीं वो कैसे रहते हैं, लेकिन जिनके घर में है वो नहीं रह सकते। ये आदत ख़राब होती है कि हाँ अब एसी है तो जल्दी से इसे सर्विस करवा लो और एसी में ही रहो, खासकर मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए गद्दा हटाया है, पहले सर्विस हो जाए। क्या हाँ दे दो, जो वो दे दो ना बाबू, वो लोग वो जो कुल्फी वैसे आता है उसमें डाल के, वो देखो कौन वाला, अरे वो देखो जो टंगा हुआ है। आज धनु को पसंद का आइसक्रीम ही नहीं मिल रहा है ना धनु, जा। ये क्या कर दिया आपने, तू कुछ मसाला नहीं डाला? गन्ने वाले भैया का जूस जो है बहुत टेस्टी था, इसलिए मैंने आज भी पी लिया। घर आई धनु को लेके, फिर उन्हें रोटी खिलाया, दूध पिलाया, उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे। प्रेस होके आए हैं सारे कपड़े, तो उसमें से जो भी कपड़े पतिदेव जी के या मेरे हैं वो मैं छाट के निकाल रही हूँ। जा रही हूँ ऊपर धनु को लेके, तो ऊपर लेती ही चली जाऊँगी, अलमारी में रख दूँगी। आप पता है कौन सा लग रहे हो, मोगली, टार्जन? हाँ आ जा। तो गाइस सोचा जब तक एसी सर्विस हो रहा है इसको थोड़ा सा धूप दिखा दूँ, तो मैंने धूप दिखा दिया। लेके चले धनु, उस पे नहीं चढ़ते बेटा, ये लेके चलो गद्दा। हाँ, एक आपसे जाएगा, एक मम्मा लेके जाएगा। ये टेढ़ा हो गया क्या स्पेस रखने से? क्या सफाई करने वाला, तो करो सफाई, थोड़ा बेड साफ करो। हम दोनों जन सफाई करेंगे, चलो बेड पे चढ़ो फिर, बेड पे चढ़ो फिर। तो धनु को मैंने कपड़े पहनाए पहले, फिर मैं लग गई सफाई में। जैसा कि आप लोगों को पता है इस फ्लोर पे काम चल रहा है, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा रूम ऐसे गंदा हुआ पड़ा है, ड्रेसिंग बेड सब कुछ। तो मैंने सोचा बेड जो है साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ड्रेसिंग कर लूँगी। तो गद्दा भी छाने के बाद पहले मैंने ये साफ़ किया। साथ साथ में धनु हमेशा लगे रहते हैं, मतलब वो मैं मुझे उनको अपने साथ ऐसे रखना भी अच्छा लगता है कि वो भी सीखे कि क्या करना है कैसे करना है, उनको पता होना चाहिए, सब काम आना चाहिए। तो इसलिए वो बोल रहे थे मम्मा हम दोनों मिलकर सफ़ाई करते हैं, मैं स्प्रे करूँगा आप इसे क्लीन कर लेना। मतलब चलो ठीक है, फिर हम दोनों ने मिलकर ये सफ़ाई की, फिर उसके बाद बेडशीट बिछाया, तब धनु थोड़ा सा फ़ोन देखे और हम दोनों मिलकर फिर आराम किए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, इसके आए का ब्लॉग जो है अब नेक्स्ट डे मैं शेयर करूँगी जो भी शूट करूँगी। ये ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, मैं ऐसी सोच रही हूँ 10 से 15 मिनट के बीच में जो है सारे ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर किया करूँगी। तो और बताइए गाइज़ आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा फैमिली में। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा जो सब्सक्राइब का जो परसेंटेज है वो बहुत कम हो गया है, मुझे लग रहा 50-50 जैसा हो गया है, मैंने देखा हुआ था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग जो है पसंद आ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो ब्लॉग है मैं जब भी जैसे ही अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और बार बार आप लोग मेरे ड्रेस को और साड़ी को पूछते हो कि दी कहाँ से लिए कहाँ से लिया, तो उसके जो हॉल होते हैं ना मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी होती हूँ, जैसे कि अमेजोन के सारे ड्रेसेस थे। तो आप लोग अमेजोन हॉल जो मेरा होता है वो आप चेक कर सकते हैं, आप लोग डेफिनेटली मिल जाएगा वहाँ पर। तब हो गया मेरा काम, और बाय बाय गाइज, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।